साथियों आज सभी को बताएंगे कि देखिए कूड़ा यहाँ पे पूरा जमा किया गया है। मड़ियाओं के आगे का नजारा है, यानी जमालापुर रामपुर वाला ये रोड है नेशनल हाईवे 135 से, और आगे का व्यू हम आपको दिखाएंगे, आगे क्या क्या वर्क हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है नेशनल हाईवे 135 से पे। तो बने रहिए हमारी इस अपडेट में, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। मड़ियाओं से आप सभी को रामपुर तक का अपडेट देने वाले हैं इस वीडियो में। तो रानीपुर चौराहा है ये, आप जो देख पा रहे होंगे रानीपुर चौराहे का नजारा है। तो आप देख पा रहे होंगे मड़ियाओं के हम अभी आगे आए हैं। कुछ प्रकार देखिए पूरी सड़क धस चुकी है, जो आप देख रहे हैं सड़क बनाई गई थी पूरा देखिए धस गया है। ये नेशनल हाईवे 135 से का काम है साथियों, तो हम चाहेंगे इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें ताकि एक्सीडेंट ना हो, कोई बड़ा ना एक्सीडेंट ना हो इस रोड पर। तो काफी चालू रोड है ये साथियों, तो कोई घटना ना हो तो हम चाहेंगे इस पर जल्द कार्रवाई हो, उस रोड को जल्द बनाए उस एरिया को। तो आप देख पा रहे हो इधर देखिए जगह जगह गड्ढा आपको देखने को मिल जाएगा। ये जमालापुर रोड है साथियों, देखिए किस प्रकार के यहाँ पे धूल धूल पूरा एकदम देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा मतलब गड्ढा, इसको बनाया नहीं जा रहा है। NHAI की टीम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, देख रहे हैं किस प्रकार का, थोड़े थोड़े जगह को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा जो रहता है थोड़े से कोई बड़ा कांड हो जाता है, तो छोटा चीज होता है वो कोई घातक बन जाता है। जाएंगे ऐसे ना हो, कोई घातक ना बने, शिवपुर बाईपास है साथियों, मड़ियाओं शिवपुर बाईपास, ये रास्ता चला जाता है मड़ियाओं मेन मार्केट में, ये रास्ता जो आ रहा है ये चला जाता है मेन मार्केट में, और ये सीधे देखे चले जाएंगे जमालापुर। सरकार के यहाँ पे देखे डिवाइडर बनाया गया है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो डिवाइडर तो बना दिया गया है काफी अच्छा, हम देख रहे हैं पिछला देखे थे तो यहाँ पे डिवाइडर बनाने का काम चल रहा था, और देखते हैं कहाँ तक डिवाइडर बना है। तो ये जमालापुर वाला रोड है, जमालापुर रामपुर वाला रोड, और देखिए यहाँ पे गड्ढा कुछ प्रकार का है। तो रोड बना है लेकिन कोई बढ़िया रोड बनाया नहीं जा रहा है, सही मानक से रोड नहीं बन रहा है, रोड जल्दी खराब भी हो जा रहे हैं, धस भी जा रहे हैं जगह जगह, देखिए जगह जगह देखिए गड्ढा हमको देखने को मिल रहा है इस रोड पे, ये देख रहे हैं किस प्रकार का। फिलहाल पीछे नवोदय विद्यालय का सीन चला गया, ध्यान नहीं दे पाए, और ये देखिए डिवाइडर किस प्रकार का बनाया गया है, और आगे क्या काम हो रहा है उसका हम अपडेट दिखाने वाले हैं आप सभी को। और यहाँ देखिए अभी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, इसके आगे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं सेऊर, इस समय हम सेऊ में हैं, सेऊ मड़ियाऊँ का ये नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए यहाँ इसके आगे से देखिए रोड नहीं बनाया गया है, इसके आगे से काफ़ी दयनीय स्थिति है। तो बहुत से भाई लोग पूछते हैं कि हमको मड़ियाऊँ से भदोही जाना है, मिर्ज़ापुर जाना है, तो बहुत से राय मांगते हैं, तब तो उनको हम बताते हैं बहुत से लोगों को, अब कुछ लोग भाई मजबूरन इनको जाना पड़ता है इस रोड पे, और टू व्हीलर जो है टू व्हीलर वाले को काफ़ी दिक्कत हो रही है, फोर व्हीलर वाले को दिक्कत नहीं होगी लेकिन टू व्हीलर वाले को काफ़ी दिक्कत होगी। जो देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में काफ़ी ज़्यादा धूल आपको दिख रहा होगा उड़ रहा है, जगह जगह पानी मारा गया लेकिन पानी कुछ समय के लिए रहता है फिर सूख जाता है, धूप भी तेज है, देख रहे हैं इधर रोड बनाए नहीं गया है, तो इधर काफ़ी धीमी गति से काम चल रहा है नेशनल हाईवे 135 ए का जो प्रोजेक्ट है, काफी धीमे से चल रहा है, धीमी गति से। रोड तो काफी चौड़ी है लेकिन काम काफी धीरे चल रहा है, जो आप ये नजारा देख पा रहे होंगे इधर देखिए मिट्टी गाज दिया गया है मलबा, अब इसको समतल करने का काम अभी हुआ नहीं है, ये बगल में एक पुल है, पुल बनाने का काम किया जा रहा है,
यहाँ पे देखिए पुल बनाने के लिए कुछ प्रकार का सांचा तैयार किया जा रहा है जो आप देख पा रहे होंगे। ये जमालापुर के पहले का नजारा है साथियों, बगल में एक पुल बनना है, थोड़ा हम वो आगे चल के दिखाएंगे थोड़ा सा व्यू हम आप सभी को। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन काफी धीमे गति से चल रहा है NHAI की ओर से। और बगल वाला आप देख रहे होंगे पुल चालू है, और इसके बगल में जो पुल है इस पे काफी धीमे गति से काम चल रहा है। अभी बस पिलर ही तैयार हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं, थोड़ा हम आगे चल के दिखाएंगे थोड़ा सा व्यू। और चंदौली डिपो यहाँ से देखिए जाती हुई देख पा रहे हैं हम। अभी आप देख पा रहे होंगे लंच हुआ है तो इसीलिए काम रुका हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहाँ JCB लगी हुई है पूरी, और काफ़ी धीमे गति से काम चल रहा है जैसा हम देख रहे होंगे। तो चलिए हम आगे का व्यू दिखाते हैं, छोटा सा पुलिया बन रहा है उसका व्यू आप देख पा रहे होंगे उस प्रकार का है। तो चलिए आगे के अपडेट में बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। अभी हम रामपुर तक का अपडेट आप सभी को देंगे, फिलहाल अभी जमालापुर आएगा, फिर जमालापुर के आगे रामपुर आएगा, वहाँ तक पूरा व्यू दिखाएंगे क्या क्या वर्क हो रहा है क्या क्या काम हो रहा है। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए आप सभी लोग। तो सामने आप देख पा रहे होंगे ठाकुर मातिवर सिंह PG कॉलेज है, पूरा उत्तम जमालापुर का ये नज़ारा है। जमालापुर में ये देखिए पड़ता है PG कॉलेज, उसके पास का नज़ारा है, वहाँ का आप देख पा रहे हैं वहाँ का सीन, काफ़ी चौड़ी सड़क की गई है PG कॉलेज के पास। PG कॉलेज है, PG कॉलेज नज़ारा है, ठाकुर संजय सिंह पुत्र मातिवर सिंह प्रबंधक हैं इसके। तो आगे का व्यू दिखाएंगे, आगे का पूरा अपडेट दिखाएंगे आप सभी को क्या क्या वर्क हो रहा है नेशनल हाईवे पे। और यहाँ देखिए इस प्रकार का यहाँ देखिए पाइप बिछाई जा रही है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है जो आप देख पा रहे होंगे। ये जमालापुर के पहरे का नज़ारा है साथियों, और काफ़ी देखिए धूल धूल नज़र आ रही होगी आप लोग को, देख रहे हैं इस प्रकार का इतना धूल हो गया पूरा, देखिए धूल धूल पूरा एकदम स्पॉट पे, वीडियो बनाना दुर्लभ हो गया है। फिलहाल जमालापुर बरसठी पड़ाव का ये नज़ारा है जो आप देख रहे होंगे। तो इधर रोड देखिए RCC ढलैया हुआ है, इधर काफ़ी बढ़िया देखिए रोड बना हुआ है जैसा कि हम इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ जगह रोड तो उधर काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ये RCC ढलैया जो हुआ है काफ़ी बढ़िया हुआ है। ये जमालापुर बरसठी पड़ाव का ये नज़ारा है साथियों जो आप देख रहे होंगे। इधर देखिए रोड चौड़ीकरण हुई है, तो लोग अपना अंदर हट के देखिए रोड बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए मशीन लगी हुई है, यहाँ पे RCC पूरा देखिए बनाने का काम चल रहा है। रोड इस बार का रोड बन गया है, पर फिलहाल दाहिनी तरफ रोड अभी बना नहीं है, तो रोड बनाने का काम किया जा रहा है। और आगे का क्या अपडेट है वो हम आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आप यहाँ का नज़ारा देख पा रहे होंगे, थाना रामपुर जनपद जम्मू पुलिस चौकी जमालापुर का है ये, और इधर देखिए रोड बनाया जा रहा है। इधर देखिए हमारे दाहिनी ओर देखिए रोड बनाया जा रहा है जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे छोटी वाली JCB लगी है जो आप देख पा रहे हैं, मिनी JCB जिसको बोलते हैं, काफी देखिए छोटी JCB है। और आगे तो और ज्यादा रोड खराब है, आगे तो उसी प्रकार से फिर देखिए धूल मिट्टी उड़ रही है, तो वीडियो बनाना काफी दिक्कत हो रहा है, धूल हो रहा है। और यहाँ देखिए गिट्टी बिछाई गई है, और पूरा देखिए हमको लग रहा है कि अभी आज ही गिट्टी बिछाई गई है ये जो आप देख पा रहे हैं, इधर गिट्टी बिछाते हुए देखिए कहाँ तक गिट्टी बिछा है देखने का प्रयास करेंगे। यार धूल मिट्टी तो ये है, देखिए गिट्टी बिछाया गया। फिलहाल ये जोगापुर जमालापुर का ये नज़ारा है जो हम देख रहे हैं, ये जोगापुर का पूरा दृश्य है,
जो हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे भी काफ़ी चौड़ी सड़क की गई है, तो उधर से गिट्टी बिछाते हुए आ रहे हैं। आगे शायद रोड बनी है, देखते हैं कहाँ तक रोड बनी है। तो बताना चाहेंगे कुछ जगह देखिए आरसीसी है और कुछ जगह देखिए अलकतरा वाला है, मैन गिट्टी वाला देखिए डांबर वाला रोड, और समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ कौन सी सड़क है, कहाँ क्या है। तो कोई मतलब नेशनल हाईवे कोई रूल ही नहीं है कि कहाँ आरसीसी का है सिस्टम, कहाँ पे क्या है, क्या बताया जाए। तो देख पा रहे होंगे ये डांबर वाला रोड है साथियों, अलकतरा वाला जिसको बोलते हैं रोड वही है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से कुछ प्रकार का व्हाइट पेंट हो रहा है डिवाइडर पे। अब देखिए डिवाइडर पे पेंटिंग तो हो रहा है, लेकिन इसमें लोग अपना प्रचार ना करें दुकान डलिया का तो सही है। तो कुछ जगह हम देखते हैं कि डिवाइडर पे ही दुकान का प्रचार करना शुरू कर देते हैं, तो हम चाहेंगे उस प्रकार का न काम हो। डिवाइडर अगर और इस पर भी एक और कलर होगा, पीला वाला भी कलर होगा नेशनल हाईवे की ओर से। तो ये औरा के पास हैं इस समय हम, यानी रामपुर के पहले औरा के पास इस समय में चल रहे हैं, और आगे देखिए पुलिया बन रही है, और आगे ये सकरा पुल है उसके लिए बगल में देखिए बनाया जा रहा है पुल, उसका भी थोड़ा हम भी हम आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं पूरी जर्जर की स्थिति में है ये, और कभी यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता है साथियों, बताना चाहेंगे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। और कुछ प्रकार देखिए यहाँ पे सेटरिंग हो रहा है, इसी तरह देखिए पुल बनेगा, यहाँ पे भी इसी तरह पुल बनेगा, और फिलहाल दो पिलर इसमें भी तैयार कर रहे हैं, जैसा कि पूरा देखिए मसाला को अंदर देखिए पाइप के माध्यम से मशीन के माध्यम से नीचे कर रहे हैं, डाल रहे हैं पूरा अंदर तक। तो ये नेशनल हाईवे 135 से जमालापुर के आगे यानी रामपुर के पहले का नज़ारा है, जो सकरा पुल है उसके पहले का दृश्य है ये। यहाँ पे मजदूर लोग लगे हुए हैं इस काम को पूरा कर रहे हैं, फिलहाल दो पिलर पे ये पुल बन के तैयार हो रहा है, छोटा सा पुलिया है वो तैयार हो रहा है। तो चलिए आगे का व्यू दिखाते हैं, फिलहाल देखिए मशीन लगा हुआ है। तो आगे का व्यू दिखाते हैं पूरा, आगे तक बने रहिए हमारी इस अपडेट में, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। तो बताना चाहेंगे आगे से मार्ग परिवर्तित है, यानी अभी हम बाएं ओर से चल रहे थे, अभी हमको दाहिनी ओर वाले सड़क से चलना है, क्योंकि यहाँ पे अभी रोड बन रहा है, इसलिए मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। अलकतरा तैयार हो रहा है, अलकतरा की यहाँ पे देखिए पूरी प्लांट है, यहाँ पे माइन गिट्टी का अलकतरा देखिए तैयार हो रहा है, जो आप देख पा रहे हैं। और इधर देखिए मार्ग परिवर्तित, फिलहाल इस वाले रोड से हम चल रहे हैं, बगल वाले दाहिनी ओर से चल रहे हैं। एसपी का पेट्रोल पंप है, देखिए रोड अभी बन रहा है, देख रहा है यहाँ से हाईवे की गाड़ी बिछाई गई है, फिलहाल उधर का देखिए पेंटिंग हो चुका है डिवाइडर का, इधर आती है। फिलहाल देखिए ट्रक से पूरा देखिए मटेरियल ये आता है, तो अभी देखिए धुआई कर रहे हैं। इधर भी देखिए प्लांट है गिट्टी का, मतलब डामर वाला अंदर प्लांट है गिट्टी का। इधर देखिए मार्ग परिवर्तन किया गया है, और इधर देखिए डिवाइडर इधर भी पेंटिंग कर दिया गया, और कुछ लोग देखिए उसी को थूक दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो डिवाइडर उधर बना है साथियों उसमें थूकदान ना बनाए, नेशनल हाईवे 135 का प्रोजेक्ट है, और अगर ये साफ रहेगा तो हम लोग को ये अच्छा लगेगा, अगर इसको गंदगी कर देंगे तो कितना बढ़ता लगेगा, कितना खराब लगेगा। देखिए इधर का रोड देखिए खराब हो गया था, ये कहा के फिर से बनाया जा रहा है। देखिए रोड खराब हो गया था, तो इतने दूर का पूरा खन के फिर से उसको
डामर वही लगा देंगे, यानी चस्पा कर देंगे। फिलहाल साथियों, ये रामपुर मार्केट का पहले का नजारा है जो आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार का है। और अभी देखते हैं रामपुर की मार्केट का नज़ारा कैसा है, उसकी का थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे आप सभी को। रामपुर मार्केट के आगे का काम कितना हुआ कितना नहीं, फिलहाल देखिए हम फिर से अपने लेन पे आ गए हैं, बाईं तरफ आ गए हैं। तो इधर देखिए कार्यालय क्षेत्र पंचायत रामपुर, विकासखंड रामपुर में है ये। तो ये रामपुर मार्केट यहाँ से शुरू हो गया है साथियों, जो आप देख रहे होंगे। तो रामपुर का ये मार्केट है, तो आगे पुलिया है उसका भी हम आपको दिखाएंगे कि पुलिया बना या नहीं बना। पिछले वीडियो में हम भी देखे थे तो वहाँ भी बना नहीं था, तभी आज हम जाके देखेंगे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो ये देखिए मेन रोड रामपुर का ये नज़ारा है साथियों, जो आप देख पा रहे होंगे। तो गोपालापुर मोड़ है आगे, तो ये आगे देखिए गोपाला मोड़ है साथियों। और फिलहाल बता दें साथियों, देखिए रामपुर के नज़ारा है, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, जैसा कि हमको जानकारी भी प्राप्त हुई। ये रामपुर का नहर है, अभी देखिए इसको बनाया नहीं गया है, काफ़ी दिन से ये पेंडिंग पड़ा है, तो हम चाहेंगे इसको जल्द से जल्द चालू करें ताकि दुर्घटना कोई ना हो। देखिए कुछ प्रकार का यहाँ पे देखिए बैरिकेड अच्छे से नहीं किया गया है, तो जिससे एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं यहाँ पर। और देखिए इसको बनाया भी नहीं गया अभी पूरी तरह से, जो आप देख पा रहे हैं इधर कोई पूरी तरह से बनाया नहीं गया है, तो हम चाहेंगे पूरी तरह से इसको बना दें। अभी हम आगे का व्यू दिखाएंगे, पूरा व्यू क्या क्या है। फिलहाल अभी मार्केट अभी आगे तक का है, चलिए बने रहिए हमारे इस व्यू में, अपडेट में, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। फिलहाल ये देखिए मार्केट का नज़ारा है, मेन मार्केट का व्यू है जो आप देख पा रहे होंगे, नहर के पास का ये नज़ारा है। फिलहाल सामने देखिए नहर चला जाता है, और इधर भी देखिए नहर, और नहर सूख भी गई है पूरा। इधर देखिए कुछ थोड़ा बहुत पानी है लेकिन, और इधर सूख गया पूरा। देखिए पक्का तालाब का ये नज़ारा है, रामपुर पक्का तालाब, जो अगर रामपुर वीडियो देख रहे होंगे तो लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे कि हम वीडियो सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। फिलहाल देखिए रामपुर का ये मेन मार्केट है, और काफ़ी घना मार्केट है साथियों, नगर पंचायत रामपुर। तो काफ़ी चौड़ी सड़क यहाँ पर किया गया है, इसके पहले हम वीडियो देखे थे तो यहाँ पर काफ़ी सकरा था, और काफ़ी दिनों बाद इस रोड पे हम आए हैं, तो यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है, काफ़ी अलग रूप में देखने को मिल रहा है मार्केट का नज़ारा। काफ़ी चौड़ी सड़क की गई है, और अभी हम आगे का व्यू दिखाएंगे। और काफ़ी बड़ा मार्केट है, ये भी बताना चाहेंगे आप सभी को कि काफ़ी बड़ा मार्केट है रामपुर का, अंदर सब्जी मंडी भी है। देखिए सब्जी भी लगा होगा, आपको दिख रहा होगा। और देखिए इधर फल की दुकानें लगी हुई हैं रामपुर में, तो आपको रामपुर में फल की दुकान और सब्जी दुकान काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। तो देखिए थाना रामपुर है, तो रामपुर थाने में अभी देखिए निर्माण कार्य चल रहा है, गेट मेन गेट का देखिए वहाँ पे कुछ काम चल रहा है अंदर रामपुर थाना में। तो वधु वाटिका की ओर से लगा है धनुआ रामपुर। देखिए पार्किंग देखिए यहाँ पे सड़क पे ही कर दिया गया है, जो बैंक उंक में आ रहे हैं देखिए सड़क पे ही पार्किंग बना लिए हैं, तो जिससे जाम लगने की आशंका भी हो सकती है लगन वगैरह में, तो खासकर। तो चलिए हम आगे तक चलते हैं, आगे का व्यू दिखाते हैं, पूरा रामपुर का नज़ारा दिखाते हैं आप सभी को। और यहाँ देखिए वन वे हो गया है, यहाँ पे भी देखिए रोड बनाया नहीं गया है,
यहाँ देखिए कोई काम किया नहीं गया इस तरफ। देख रहे हैं आरसीसी तो काफी बढ़िया हुआ है, कुछ कुछ जगह रोड अभी बना नहीं है। तो अभी हम देखिए धनुआ रामपुर में हैं। इधर देखिए रोड अभी नहीं बनाया गया है। काफी बड़ा देखिए रामपुर का मार्केट जो आपको दिखा रहे हैं और बताना चाहेंगे। आज शुक्रवार का दिन है, देखिए सभी नमाजी लोग जा रहे हैं नमाज अदा करने। आगा हो जाएंगे और यहाँ देखो सरकार का पूरा खुदाई चल रहा है, देख पा रहे होंगे इधर का रोड बनाया जा रहा है। अभी इधर भी रोड नहीं बना है, जिस पर हम चल रहे हैं उस पर भी रोड नहीं बना है और अभी काम देखिए रुका हुआ है। देख पा रहे होंगे जेसीबी लगी हुई है हुंडई की। तो यहाँ पे भी काम चल रहा है, आगे मशीन भी लगी हुई है, जेसीबी लगी हुई है और पूरा देखिए मशीन लगी हुई है और सामने देखिए रोलर भी खड़ा है, अभी इसे वर्क करेगा। तो काफी मशीनें देख रहे होंगे आप यहाँ पे आके लगी है। आपका तो काली नगरी में देखिए स्वागत हो रहा है, भदोही काली नगरी, तो आगे कालीन की नगरी है तो यहाँ पे स्वागत हो रहा है। थोड़ा सा आगे व्यू दिखा के आप सभी को यहीं तक वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे और आगे का पूरा थोड़ा व्यू वहाँ को दिखा दें। इस रोड का कितना ज़्यादा धूल आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए अभी गिट्टी गिराया जा रहा है जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए चत्ता लगा दिया गया है काफ़ी मात्रा में, तो यहाँ पे देखिए अभी समथलीकरण होगा। जब समथलीकरण होगा तब उस पर आरसीसी होगा या रोड होता है गिट्टी वाला तो उसको बनाएंगे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार का गिट्टी गिराया गया है और आगे का थोड़ा व्यू दिखा के वीडियो यहीं पर एंड करेंगे वहीं पर जाके। बताना चाहेंगे यहाँ पे देखिए किस प्रकार का मिट्टी गिराया गया है, तो काफी धीमे गति से काम चल रहा है नेशनल हाईवे का। जैसे कई भाई लोग की कमेंट भी आ रही थी कि नेशनल हाईवे का काफी धीमे गति से काम चल रहा है, तो हम देख पा रहे हैं काफी धीमे गति से काम चल रहा है। तो यहाँ देखिए धर्मा कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री सिधवन रामपुर। फिलहाल देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं और ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे साथियों और यहीं पर वीडियो को करेंगे एंड। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को प्यार और सपोर्ट देंगे। उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला नेक्स्ट अपडेट है उसमें भी आप सभी लोग प्यार देंगे सपोर्ट देंगे और नेशनल हाईवे 135 ए का जो प्रोजेक्ट काम चल रहा है उसका पल पल व्यू हम आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे नेशनल हाईवे 135 से का ये नज़ारा है और अभी हम देखिए हीरो एजेंसी यानी रामपुर से पहले तो देखिए रोड बनाया गया तो सरकार की उसको खना जा रहा है, बताया जा रहा है कि रोड खराब है। देखिए उधर भी कुछ जगह देखिए खना गया है, तो हम जूम करके आपको दिखा दें दो तीन जगह इसी तरह भी देखिए रोड काटा गया है। देखिए पूरा इसको पूरा लाइनिंग किया गया है, तो जहाँ तक लाइनिंग हुआ है पूरा इसको काटा जाएगा। तो ये विनय ऑटो सेल जमालापुर के पास का नज़ारा है साथियों। तो देख रहे हो यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं इस
सड़क को भी खोद रहे हैं, तब यहाँ पे पूरा भी नया फिर से डामर वाला गिट्टी पड़ेगा, तो इसको समतली किया जाएगा। चलिए, काफ़ी लापरवाही नेशनल हाईवे की ओर से यहाँ पे हो रहा है, जौनपुर मड़ियाऊ जमालपुर वाले रोड पे, जो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, और कुछ प्रकार की लापरवाही लगातार हो रही है और जगह जगह रोड काफ़ी जगह धस गई है, कुछ जगह हम देखें रोड काफ़ी ख़राब हो गई है, तो इसी तरह लापरवाही चल रही है नेशनल हाईवे को से। चलिए, छोटा सा व्यू हम आप सभी को, जौनपुर जाने जा रहे थे तभी हमको देखने को मिला। हाल देखिए, नेशनल हाईवे 135 से जो आप देखे होंगे रामपुर के पहले रोड कुछ कुछ जगह धसी हुई है डामर वाली, तो यहाँ भी किस प्रकार का रोड धसा हुआ है जो देख पा रहे हैं। लोग देखिए काफ़ी उनको दिक्कत हो रहा है, और कुछ लोग जो बसें से हैं जो धीरे में जा रही हैं, देखिए किस प्रकार का यहाँ भी देखिए कुछ लोग डाइवर्ट होकर जा रहे हैं, देख रहे हैं, देखें किस प्रकार का डाइवर्ट हो रही है गाड़ी, इससे दुर्घटना हो सकता है और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, तो NHAI की टीम इसको ध्यान नहीं दे रही इस पर, देख रहे हैं किस प्रकार का लोग उधर से आ रहे हैं, तो किस प्रकार डाइवर्ट हो रही है पूरा बस और ट्रक, अब देखिए पीछे ट्रक आ रही है, कुछ प्रकार का डाइवर्ट होंगी और देख रहे होंगे तो काफ़ी ख़राब रोड बनाया गया है जो हम दिखा रहे हैं। ये नेशनल हाईवे 135 से का नज़ारा है जो आप देख पा रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, आसपास के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन हम इस पर फोकस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हम चाहेंगे इस प्रकार की लापरवाही ना हो, नेशनल हाईवे 135 से पे जो मानक के अनुसार इस पर काम किया जाए हम चाहेंगे, और लापरवाही कतई ना हो जिससे दुर्घटना आए दिन हो रही है। तो चलिए, छोटा सा व्यू हम आप सभी को दिखा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, उस उन अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा आप सभी लोग। तो साथियों, चलिए हम पहुंच गए हैं सिधवन पुलिस चौकी के पास, और वीडियो को करते हैं समाप्त। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग हमारे इस अपडेट को प्यार और सपोर्ट दिए होंगे, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, जैन पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करेगा, फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।